हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एंड फास्ट टेक रिव्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जमीन पे चलने वाली नहीं, आसमान में उड़ने वाले एयरबस A380 की फास्ट एंड टेक रिव्यू करेंगे। इस एयरबस की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3,700 करोड़ यानी 3700 करोड़ है। ये एयरबस पहली बार 2000 में लॉन्च हुई थी। फ्रेम में आप 2020 की फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं। एयरबस A380 सिर्फ जेट फ्यूल इंजन के साथ आता है। इस एयरबस के डेवलपमेंट में कंपनी ने लगभग 1,35,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स से रिकवर नहीं हो पाई। लेकिन एयरबस A380 ट्रेवलर के बीच इतनी पॉपुलर है कि हर कोई इसमें एक बार ट्रेवल करना चाहता है। चलिए करते हैं एयरबस A380 टॉप वेरिएंट की फास्ट एंड टेक रिव्यू। आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देना है मेरा कर्म, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आपका धर्म है कि नहीं। पर एनीवेज, सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की। तो यहाँ वेदर रडार, आइस डिटेक्टर दिखता है, इसके नीचे HID लाइट्स है। वही बात करें बेस की तो यहाँ एक्सल शॉक ऑब्जर्वर्स एंड टॉपलिंग प्लेस किए गए हैं। इसके अलावा A380 में पावर्ड बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल इक्वेटर्स हैं। ये एयरबस 40 लाख पार्ट्स को असेंबल करके बनाया गया है। इसके अलावा इसकी लेंथ 72.7 मीटर, हाइट 40.1 मीटर्स रखी गई है। वही बात करें टोटल वेट की तो ये 5,74,000 kg यानी 5,74,000 किलो का है। एयरबस A380 की कैबिन 8,000 वायर्स एंड 40,000 कनेक्टर्स यूज किया गया है। इस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होने की वजह से इस एयरबस को उड़ाना मात्र एक साइकिल चलाने जैसा है। एयरबस A380 के चारों इंजन की सिंगल सर्विस में कंपनी को लगभग 1,600 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ लेक्स लैंडिंग गियर्स है, इसमें टोटल 22 व्हील्स है विद ABS इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एंड TPMS। एयरबस A380 को लैंड कराने के लिए कई ग्राउंड इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, AC यूनिट, एयर स्टार्ट यूनिट, बल्क ट्रेन, लोअर एंड अपर डक, कैटरिंग ट्रक्स, कन्वर्टेबल बेल्ट, ग्राउंड पावर यूनिट, लिबर्टी व्हीकल, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, दो ट्रैक्टर, फ्यूल टैंकर, ULD ट्रेन एंड पोर्टेबल वाटर व्हीकल। बात करें बूट स्पेस की तो यहाँ 171,000 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस दिया गया है। इसके अलावा बात करें इंजन की तो इसमें 4 Rolls-Royce Trent 900 3-shaft हाई बाईपास टर्बो फैन जेट इंजन दिया गया है, जो लगभग 2,75,000 horsepower प्रोड्यूस करता है। इसकी क्रूज स्पीड 903 किलोमीटर/आवर है, तो वहीं टॉप स्पीड 1,049 किलोमीटर/आवर है। एयरबस A380 में 3,20,000 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी दिया गया है। इसकी लैंडिंग स्पीड 250 किलोमीटर/आवर है। इसके अलावा इसमें 2.9 डायमीटर फैन ब्लेड्स है, जो 1,134 kg एयर पर सेकंड सक्स करता है। सबसे पहले घबराना नहीं। इसके आगे LP कंप्रेसर दिया गया है, पीछे टर्बाइन प्लेस किया गया है। इसकी लेंथ 3.1 मीटर है। एयरबस A380 की सिंगल इंजन की कीमत अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीज है। ये इंजन सिर्फ A380 के साथ ही आती है। इसके अलावा इसमें हाई प्रेशर एयर इंजन स्टार्ट कनेक्शन और लो प्रेशर प्री कंडीशन एयर कनेक्शन है। यहाँ सेंसर्स और रडार्स प्लेस किया गया है। एयरबस A380 की ग्राउंड से डोर्स की हाइट लगभग 5 मीटर है। ऊपर चढ़ने पर सबसे पहले फोन, अटेंडेंट सीट और लाइट्स दिखेंगे। इसके अलावा राइट साइड में किचन, यहाँ फ्लाइट अटेंडेंट जंप सीट्स, इमरजेंसी इक्विपमेंट स्टोरेज और सर्विस ट्रॉली रखी जाती है। इसके कैबिन की लेंथ 50 मीटर है, तो वही 6,000 square feet कैबिन सरफेस दी गई है। इसमें टोटल 853 पैसेंजर्स कैपेसिटी दी गई है, जिसमें टिपिकली 525 पैसेंजर्स को प्लेन में लिया जाता है। बिल्कुल सही। इसमें 3 class layouts अवेलेबल है, 10 first class, 75 business class और 439 economy class सीट्स दी गई है। इकोनॉमी क्लास सीट इसमें ह्यूज साइड हेडरेस्ट, एम्बिएंट मूड लाइटिंग एंड पॉकेट्स दी गई है। लेदर सीट्स विद सॉफ्ट कुशनिंग हैंडरेस्ट दिया गया है। यहाँ सीट एडजस्टमेंट दिया गया है। यहाँ 20-inch HD TV प्लेस किया गया है विद ओवरहेड लाइटिंग्स। यहाँ HDMI, USB एंड अदर पोर्ट्स दिए गए हैं। यह है एयरबस A380 का फेमस फर्स्ट क्लास प्राइवेट सुइट कैबिन। इसमें क्लोजिंग डोर्स दी गई हैं। यहाँ नोटबुक, पेन, वैनिटी मिरर, हेडफोन्स, मूड लाइटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल दी गई है। यहाँ लाइट कंट्रोल्स, सर्विस कॉल बटन्स, पॉपअप टैबलेट एंड एम्बिएंट लाइटिंग्स दी गई है। एयरबस A380 के कैप्टन की ईयरली सैलरी 1 crore rupees होती है। यहाँ फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए 5 minutes का हॉट वाटर शावर दिया गया है। इसमें 2.5 ton वाटर यूज होता है, जो पहली बार किसी एयरबस एयरक्राफ्ट में डेवलप किया गया है। यहाँ वॉश बेसिन, टॉवल, वैनिटी मिरर और लाइट्स दिया गया है। इसमें एट अ टाइम 2 लोगों के लिए शॉवर्स अवेलेबल है। बात करें एयरबस A380 के ऑपरेटर्स की तो इसमें आसियाना, लुफ्तांजा, मलेशिया एयरलाइंस, कैंटर्स, सिंगापुर एयरलाइंस और कतर एयरबेस के साथ कुछ और ऑपरेटर्स शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऑपरेटर एमिरेट्स है। यह है एयरबस A380 का फ्लाइट डेक। इसमें 2 crew cockpit है, साथ में थेल्स का इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एवोनिक्स IMA आर्किटेक्चर है। इसमें फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोलर्स है, साइड स्टिक से लिंक होते हैं। इसके अलावा 8-inch लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। इसमें ग्राफिकल पॉइंट एंड क्लिक डिस्प्ले सिस्टम है। यह है जॉयस्टिक्स, ऊपर कैमरा डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ
यहाँ NSS यानी नेटवर्क सिस्टम सर्वर है जो पेपरलेस कॉकपिट के लिए होता है। इसमें डेटा, लॉक बुक्स, चार्ट्स, परफॉर्मेंस, कैलकुलेशन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं। इसमें कम वेट और ज्यादा सेफ्टी के लिए 2H2E आर्किटेक्चर सिस्टम यानी 2 हाइड्रोलिक एंड 2 इलेक्ट्रिक सिस्टम दिया गया है। यहाँ पायलट सीट्स और ग्लास होल्डर्स दिया गया है। इसके पीछे फायर कंट्रोलर है। यहाँ ट्रैक बॉल्स, थ्रॉटल इंजन, स्टार्ट बटन, ग्रेविटी एक्सटेंशन, पावर ब्रेक, लाइट कंट्रोल, थ्रस्ट लीवर और ग्राउंड स्टीयरिंग दिए गए। सो गाइस, ये थी एयरलाइंस की सबसे मशहूर एयरबस एयरक्राफ्ट A380 की फास्ट एंड टैक रिव्यू। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।